इस्लाम प्रचारक जाकिर नाइक हमेशा अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं और अब जाकिर ने अपने सारे विवादित बयानों के लिए भारतीय मीडिया को जिम्मेदार ठहराया है। जाकिर का कहना है कि वो मीडिया ट्रायल का शिकार हो रहे हैं, साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का समर्थन भी किया। जाकिर ने ये बातें एक इंटरव्यू के दौरान कही हैं। जाकिर का कहना है, मेरे खिलाफ गलत खबरें चलाई गई हैं। मैंने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया, न करूंगा। मैं मीडिया को चुनौती देता हूं कि वो एक भी उदाहरण दिखाए जहां मैंने आतंकवाद का समर्थन किया है। जाकिर ने आगे कहा कि बांग्लादेश के एक अखबार ने उनके खिलाफ गलत खबर छापी। भारतीय मीडिया ने उस अखबार का हवाला देते हुए खबर चलाई। वो किसी भी टीवी चैनल को चुनौती देते हैं कि वो प्रवीण तोगड़िया का पूरा भाषण और उनका पूरा भाषण दिखाएं, फिर जनता को तय करने दिया जाए। उन्होंने कहा, मेरे 1,40,00,000 फैन हैं और अगर 10-20 लोग किसी के बहकावे में आकर गलत काम करते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है। प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हुए नाइक बोले कि नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे पीएम हैं जिन्होंने इतने कम समय में तमाम मुस्लिम देशों का दौरा किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को करीब लाने का काम किया है, जिसके लिए वो उनका समर्थन करते हैं।